मैं आपकी उर्दू की टीचर और ये हमारा दूसरा लेक्चर और आज का उनवान है नमाज। नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता, क्योंकि नमाज की कोई बख्शिश नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। यानी अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम मुसलमान और काफर में भी फर्क नहीं देख सकते, नहीं रख सकते, क्योंकि जो मुसलमान और काफर होते हैं उनमें फर्क सिर्फ नमाज का ही होता है। इस सबक में मैंने कुछ सवाल निकाले हैं, वो पहले बताऊंगी। पहला सवाल है, पांच वक्त की नमाजों के नाम क्या हैं? तो हम सब मुसलमान हैं, हमें पता होना चाहिए कि पांच वक्त की जो नमाज है उनके नाम क्या है। सबसे पहली नमाज का नाम है फजर, दूसरी नमाज का नाम है जोहर, तीसरी नमाज का नाम है असर, और चौथी नमाज का नाम है मगरिब, और पांचवी नमाज का नाम क्या है? इशा। पांच नमाजें हम पर फर्ज हैं जो हम डेली पढ़ते हैं, उनके उनका वक्त मुकर्रर है। उन नमाजों के नाम अभी मैंने आपको बताए हैं, ये है। और उसके बाद दूसरा सवाल है, हम नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? हम नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? इसका जवाब है, हम नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं। और सवाल नंबर तीसरा है, सबसे पहली नमाज का नाम क्या है? सबसे पहली नमाज का नाम है फजर। तो आज मैं आपको लेक्चर के साथ यह सबक दूंगी कि आप अपनी नमाज कायम करें, पांच वक्त नमाज पढ़ें, अपने बड़ों का कहना माने, कुरान शरीफ की तिलावत करें। अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना।